मुल्तान के बाद हम खबर आपको आगाह करते चले सरगोधा से, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोधा में कई माह से मोहम्मदी दस्तरखान का सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी शख्सियात इस मोहम्मदी दस्तरखान की जीनत बनते हैं और आज भी राणा खलील प्राइज बॉन्ड वाले इस मोहम्मदी दस्तरखान के मेहमान खसूसी थे। साफियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल भी किया गया। सवाल समझी जानते हैं बिग रिपोर्ट में। बकर मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोधा में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर रोज़ मोहम्मदी दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। इस मोहम्मदी दस्तरखान में बहुत ही कीमती मेहमान मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, प्राइस बॉन्ड की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम राणा खलील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मोहम्मदी दस्तरखान के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम। देखिए जी, एक कार्य खैर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे ना सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों को बर वक्त खाना और अच्छा मियारी खाना नसीब हो रहा है, ये इनकी बहुत बड़ी काविश है। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनके कारवां में शामिल हुआ हूँ। और मैं दूसरे दोस्तों से भी इल्तमास करूँगा कि वो भी जोग दर जोग इस कारवां में शामिल हों। ये कार्य खैर है, ये एक सवाब का काम है जो हमारा दीन हमें दरस देता है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और उम्मत को कहा है कि भूखे को खाना खिलाना हज़ार मस्जिदें बनाने से बेहतर है। तो मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मुझे इन्होंने यहां पर मदऊ किया और लोगों का प्यार मोहब्बत देखकर और जिस तरह लोगों को ये वेलकम करते हैं, बहुत खुशी हुई। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद वसअत करे और इस कारवां में मज़ीद इजाफ़ा करे। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने मौजूद मेहमान से सुना, उनका कहना है कि अल्लाह ताला इनके इस नेक काम में बरकत डाले। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ नरगिस सफदर, बिग न्यूज़ सरगोधा।